नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना कोतवाली जरदपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली परिसर कार्यालय, सीसीटीवी कैमरा, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना आदि का निरीक्षण किया गया तथा संपूर्ण कोतवाली परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध करना एवं कार्यालय को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्र के तथा संपूर्ण परिसर में समुचित लाइट आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्र के क्रियाशील अपराधी अभिनिरोधात्मक कार्रवाई का प्रबंध करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को आवश्यक दिशा निर्देशित दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एफएसटी टीम के साथ लगे पुलिस फोर्स को संदिग्ध व्यक्त वाहनों की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देशित दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशित दिया गया। चर के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशि भूषण व अन्य पुलिस कर्मी अवैध कैश जब्तीकरण की कार्रवाई करें। क्षेत्र में एफएसटी एसएसटी को सक्रिय करें। सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन तैयारी की समीक्षा है तो नोडल सहायक नोडल आरओ एआरओ अधिकारियों के साथ बैठक की है। ललितपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 46 झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक बालाजी दिगंबर मंजले आईएएस, व्यय प्रेक्षक बसंत कुमार आईआरएस की उपस्थिति में एवं जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा हेतु बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी नोडल अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रेक्षक गणों ने प्रसन्नता प्रकट की एवं सभी नोडल अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी का परिचय प्राप्त करते हुए उनके दायित्वों की जानकारी। ललितपुर में रविवार को एलाइट चौराहे स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर युवा ब्राह्मण महामंडल की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 10 मई दिन शुक्रवार वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस संबंध में उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखकर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बैठक में युवा ब्राह्मण महामंडल के अध्यक्ष राजेश दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम सुबह 8 बजे वेदपाड़ी ब्राह्मणों द्वारा भगवान का अभिषेक कराया जाएगा। 10 बजे से हवन पूजन होगा। 11 बजे से विचार गोष्ठी एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह। इसके बाद 12 बजे से प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाद में भूवी सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में गर्मी के मौसम की शुरुआत में विद्युत विभाग आक्रमणता को रोक एक अशोक व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि जहां एक और उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग में चरम पर है। अधिशासी अभियंता का इस पर कोई भी अंकुश नहीं है। कहा कि अभी गर्मी के मौसम की शुरुआत हुई है, मामूली फॉल्ट होने पर पूरी रात भर बिजली गायब रहती है। बिजली की आंख मिचौनी के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कहा कि फॉल्ट होने और मरम्मत होने की स्थिति का पता लगाने के लिए जनता जब विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल फोन पर कॉल करती है तो विद्युत विभाग के संवेदहीन जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और परेशान नागरिक मन महसूस कर रह जाते हैं। यहां तक कि अधिशासी अभियंता को भी फोन लगाने पर उनका फोन भी नहीं उठता है। अब ऐसी स्थिति में जनता अपनी गुहार किससे लगाए। उन्होंने कहा कि ऊपर से तो भरपूर बिजली जिले को मिल रही है परंतु ट्रांसफार्मरों का उचित रखरखाव, मेंटेनेंस और स्थानीय फॉल्ट के कारण बिजली घंटों तक गायब रहती है। यह भी कहा कि विद्युत विभाग में मेंटेनेंस स्टाफ हाई कमी है। अधिशासी अभियंता कार्यालय एवं एसडीओ कार्यालय नजाई बाजार में जनता को अपने काम के लिए बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।